यार स्कूल लाइफ कितनी अमेजिंग थी ना यार, यार सीरियसली मतलब क्या दिन थे वो लाइफ के ना सबसे अच्छे वाले टाइम जो था ना स्कूल लाइफ थी यार। मतलब फ्रेंड्स आपका था क्या स्कूल लाइफ अच्छा? यार ऑफ कोर्स सबका ही होता है बेस्ट होता है, उसमें पूछने वाली कोई बात नहीं होती। कितनी मस्ती करते थे यार, यार टीचरों को ज्यादा परेशान किया है। हम ना तो बैक बेंचर होते थे और ना फर्स्ट बेंचर। नहीं मैं तो बैक बेंचर्स में से थी। तुम बैक बेंचर थी? और सबसे ज्यादा ना मैं ना लंच से पहले इतनी भूख लगती ना मेरे को अभी भी, वो तो मेरा भी था। लंच से पहले खाना खाना, फर्स्ट पीरियड में खाना खत्म यार, उसका ना अलग ही मजा होता है। एक लेवल होता है ना मस्ती का, वो बस वो हमने सारे क्रॉस किए यार, नेक्स्ट लेवल पे जाके हमने मस्ती की। कॉलेज के अंदर मजे किए, लेकिन ना स्कूल के जो इनोसेंट वाले मजे होते हैं ना मिस करते हैं, सच में पूरी लाइफ मिस करेंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि स्कूल के दिन कौन वापस ला सकता है। सही बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्ती मैटिक। आज हम रिएक्शन करने वाले राउंड टू हेल की स्कूल लाइफ पार्ट 3 पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, साथ में देखते हैं ये वीडियो। टिंग टिंग। आइए फ्रेंड्स ये वीडियो देखते हैं। चल यार क्यों बंक मार रहे हैं, अब भी मौका है बच जाएंगे। मौका तो साले मौका ही तो है ये बंक मारने का मौका। पहले मारा तुमने तो ना यार, मैंने न मारा तो साले संजय ने देख लिया। तो संजय संजय संजय, अब क्यों डरते हो तुम संजय से? क्या है उसमें ऐसा? तुम्हारी वजह से ना हर जगह दिखाई देता मुझे संजय, मूड खराब करके रख दिया साले ने। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों डरता उससे स्कूल पूरा। आज साला बंक नहीं मारूंगा, आज उस संजय को मारूंगा। संजय सर मजाक कर रहा है, छोड़ो संजय सर। छोड़ दूंगा पर पहले ये बता इतने बढ़िया कपड़े कहाँ से लिए? ये कपड़े, ये कपड़े तो सर मैंने स्पॉइल ऐप से लिए हैं, एकदम झकास ऐप है सर। और सर सबसे थोड़ी चीज पता है इसकी क्या है? 100% कैशबैक है, हर ऑर्डर करने पे 100% कैशबैक मिलता। 100% कैशबैक? जी सर। और सर ये जल्दी ऑर्डर कर लो क्योंकि 100% कैशबैक है ना, सिर्फ 30 जून तक है। ठीक है सर मैं चलता हूँ। सर आपने कहा था बता दूंगा तो आप छोड़ दोगे? आप तो और मारूंगा। क्यों? इस स्पॉइल के और 100% कैशबैक के बारे में पहले क्यों ना बताया? स्कूल आ गए सर, अंदर आ जाओ। जब तक ये बात तुम इंग्लिश में नहीं बोलोगे जब तक एंट्री नहीं दूंगा। और सुन लो पूरी क्लास, मेरे क्लास में इंग्लिश टू इंग्लिश बात होगी। सर आई वांट टू नो दैट विच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम एंड कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी दैट क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। है इधर कोई? पूरा अंग्रेज हो रिया। सुन लो आज से मेरी क्लास में हिंदी टू हिंदी बात होगी, इसी का अंग्रेजी का वर्ड सुनना लो। सर आप कह रहे थे ना हिंदी टू हिंदी बात होगी, तो सर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं सर? बेटे बहुत ही अर्जेंट कॉल है, कॉल आ गई। कॉल छुट्टी। बड़ा ही अजीब टीचर। सर 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 पता चल सर बेल बज गई दिखता है। टीचर को जल्दी उठ जाने की बस ज्यादा। अरे क्वेश्चन पूछ ले ना ट्रिकी फिर से। किताबें निकालो अपनी। पसीन संजय सर और वो पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अबे आज सूरज पश्चिम से निकल के दिख गया। खैर इनके सब्जेक्ट की बुक निकालो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने? अबे हाँ यार पढ़ाने क्या है? साइंस पढ़ाते हैं संजय सर। भूगोल पढ़ाना है? भूगोल कहाँ पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना दिखे। मैं बता रही हूँ बसीन ये फारसी पढ़ाता हूँ। फारसी? मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, निकाल ले बच जाओ। पूरी क्लास में अलग सब्जेक्ट निकाल रखे हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री यही तो पढ़ाते हो आप? क्यों भाई सबके धुलाई देंगे। नेक्स्ट फारसी पढ़ाता हूँ मैं। हाँ सर इनने बताई।
पूरी क्लास में पढ़ाता क्या भाई ये संजय से अनोखे लगे मेरे को। 3 साल हो गए पूरे, आज तक यही ना पता मैं पढ़ाता क्या हूँ। क्या पढ़ाते हो? क्या पढ़ाते हो? ये पढ़ाते हो? ये पढ़े तो हैं। तू भाई क्या पढ़ाते हो? हाँ क्या पढ़ाते हो? बता बता। तू भाई क्या पढ़ाते हो? खुद ही नहीं पता। संजय सर आइए, आपका नंबर है। ये कहाँ पहुंच गए संजय सर? हाँ क्या पढ़ाता हूँ मैं, किस सब्जेक्ट का टीचर हूँ मैं? लगता है इसलिए भी आई होगी प्रिंसिपल। तुम पढ़ाते तो हो क्या संजय? तुम बढ़िया पढ़ाते हो। लेकिन क्या बढ़िया? पर क्या बढ़िया पढ़ाता हूँ? संजय तुम इंग्लिश पढ़ाते हो? सर मैं ये 9th क्लास वाले बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। इंग्लिश टीचर तो दूसरा है। प्रिंसिपल तो गयो। संजय मेरे पापा, सॉरी मेरे बेटे, मैं ये कह रहा था तुम इंग्लिश तो बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हो। हाँ बहुत तो ठीक है, पर अब तक क्या पढ़ाया मैंने? बेचारी की हवा टाइट है। जी प्रिंसिपल है। नहीं पढ़ता है ये, सिर्फ बच्चों को मारते अब कोई टीचर भी तो आया अपने स्कूल में नया। मैंने सुना संजय सब ज्यादा बुरा मारता वो। ये नाम 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 क्या उसका याद ना आ रही है? सुमित लफाड़िया। सुमित लफाड़िया लफड़ा लेने वाला। ये क्या टीचर है वो? टीचर संजय मारता है वो, डायरेक्ट कत्ल कर रहा है। अबे तुम यहाँ झूला झूल रहे हो, कॉमर्स और साइंस वालों की लड़ाई हो गई। अरे क्या समझ रखा है इन्होंने कॉमर्स वालों को? काम वालों को मैं जाती। ये चल दिए। मैं इधर है। इस स्कूल में कॉमर्स वालों का राज चलता है। अबे सालों तुम्हारी औकात क्या है? अबे सालों तुम्हारी क्या औकात है? हाथ तो लगा के दिखा। तू लगा ना। सनी देओल की एंट्री। ये देखो। लगा दिया हाथ। अबे सालो साइंस वालो सबसे फेल होते हो तुम। तुमने पूरे स्कूल का नाम बदनाम करा रखा। एक एक साइंस के बच्चे की गांड फटती है अपनों से। अबे सालो तुम साइंस में हो, कॉमर्स में ना हो। और सुन,
मैं जा रहा हूँ स्कूल से दीवार खोद के। अबे पागल है क्या, कुछ सुमित लफाड़िया सर आया? लफाड़िया मेरे कद्दू का सुमित, मैं संजय सर से लड़ा। डेयरिंग बंदा। ओह माय गॉड, लफाड़िया। ओह माय गॉड, कतई खतरनाक टीचर है ये। राव टीचर होते हैं ना स्कूल में। अरे ये बंदूक लेके कौन टीचर घूम रहा है? सुमित लफाड़िए आ गए आप, मेरे चांद मकसद याद है ना? संजय। ओह माय गॉड, प्रिंसिपल को सब डरते हैं यार। नमस्ते। नमस्ते बेटा। इन्हें नहीं करना था। न्यूटन सर। न्यूटन सर सेम बैक के मारा ना। बालों का स्टाइल देख। वो सेम। ये फिजिक्स पढ़ाएगा पक्का। न्यूटन सर, ये आपने सेब के गिरने पे ग्रेविटी का कैसे पता करा? ग्रेविटी? वो क्या होती है? बेटे वो गर्भवती होता। गर्भवती? वो। और सेब गिरने पे तो बेटे मैंने सेब का ठेला लगाया उसी दिन से। ग्रेविटी ग्रेविटी के चक्कर में पड़ता तो क्या होता? और भाई साहब आज से मेरा 100 रुपए किलो बिक रहा है। और भाई साहब टॉप में लोगे तो 70 को लगा दूंगा। बाप ने खाए चिट वाले सेब कभी? न्यूटन सर, आप अपना फर्स्ट लॉ बताइए जिसमें कोई भारी बल लगता हो। बेटे हाँ, मेरा पहला नियम है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर आपकी रेड़ी पे आके कोई मोल भाव कम बढ़ती करे तो उसे तब तक मारो जब तक कोई बाहर का आदमी उसे आके ना बचा दे। अभी कौन से टीचर आ रहे हैं स्कूल वाले? फर्जी न्यूटन निकले तो नया फॉर्मूला, नया न्यूटन आज के टाइम का। दूध वाला, मैं पूछता हूँ फिजिक्स का, न्यूटन सर कुछ बता। न्यूटन सर। हाँ बेटे। सर पृथ्वी पर अगर कभी कोई मीटियोर आता है तो उससे हम कैसे बचेंगे मनुष्य? नासा कैसे बचाएगा हमें? क्या क्या तैयारी करनी चाहिए हमें? लिखो। एक मिनट सर, एक मिनट। बैठे सर। 2 किलो कपूर, 2 किलो 2 साबुत नारियल, 2 क्या बोल रहे हैं नारियल, और 250 ग्राम तुलसी। होने वाले चंदन, बतासा, काला धागा, भांग घोसड़ा। और बेटे इन सब को इकट्ठा करवा के एक हंडिया में बीच चौराहे पे टोटका करवा के रखवा दो उसे। सब खत्म। और बाकी बेटे ऊपर वाला मालिक है ही। तो बेटे मेरी रिसर्च तो बस यही कहती है कि हमारी पृथ्वी को सिर्फ एक टॉट का बचा सकता है। सेब नहीं छोड़ा भाई। यार 100 रुपए किलो बेच रहा है वो। साले फेल टीचर। प्रिंसिपल उससे बड़ा फेल। मैं पानी पी रही हूँ। जाली दुश्मन। ठीक है, एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है क्या? अरे कैंटीन वाले भाई साहब, गरम गरम दो पीछे से। अरे गरम गरम चाहिए मुझे पेटीज, पीछे से दो। अरे भाई साहब पीछे से क्यों ना देते हो? ये ले। गरम गरम मिल गया पीछे से। ओ
सीपीयू इनके कंपटीशन के चक्कर में ना बच्चों की जिंदगी खराब है अपने कंपटीशन के चक्कर में क्या कर रखा है इन्होंने थैंक गॉड हमारे स्कूल में ऐसे बाहर की चली गई वरना उससे भी गुस्सा नहीं आते थे सालों ने दंगल बना रखा है स्कूल का बताओ स्कूल में बंदूक कौन लेके आ रहा है पढ़ाई थोड़ी हो रही है स्कूल में प्रिंसिपल से शिकायत करवा इस बात की जाओ प्रिंसिपल के पास संजय और सुमित तुम दोनों की बहुत कंप्लेंट आ रही है और इसमें गलती संजय तुम बेचारे तो दोनों से डरते हैं बच्चे की गलती है यार बच्चे की मेरी इसमें 500 रुपए का फाइन भर रहा हूँ और जाओ प्रिंसिपल के पास गलती तो इन दोनों की है सर दो बच्चों के तो गोली मार दी इन्होंने इन्हें निकालो यहाँ से कहा गोली चल रही है ये तो आवाज नहीं आई ये बात सही बोली क्या हुआ निकाला ना संजय सुमित को ना निकालना ये हम तो नारेबाजी करेंगे नारेबाजी करो अरे आईफोन हो गया बहुत ही महंगा सही है सुमित को बाहर अरे आईफोन हो गया बहुत ही महंगा सही है सुमित को बाहर निकालो साला राइमिंग तो ठीक से मैच कर लो इससे भी गंदी राइमिंग करेंगे अगर संजय सुमित को नहीं निकालोगे तो और सर एक बात बताओ ये संजय कौन था जो सुमित लफाड़िया को भी लिया है तुम बेटे मेरी बात सुनो मैं बता रही हूँ तू बुलाया है सुमित लफाड़िया को जो बुलाया है वो संजय को निकालने के लिए बुलाया सर जी कब निकालोगे पूरा खोपड़ा फटा पड़ा ये आओ भी निकालते हैं चलो तो ये देखो स्कूल है ये इतना मारा है बच्चों को सुमित बेचारा बाहर निकल मेरा चांद आया है अरे सर ऐसे ना आ गए संजय एक बच्चे की कॉपी पे कवर ना है शेर जाग गया ये टीचर की लाइफ पहली बार देख रहा है वो इस तरीके वाली ऑडियंस को तो देखो आपके लिए खुश है लफाड़िया तो गया संजय सर तुम पर भी डरता है लफाड़िया हो गया तो गया चांद का तो तारा बन गया चांद का तारा समझाए आप
सबसे बदला लेगा संजय, चुन के बदला लेगा यार। सीरियसली मतलब कितना ज्यादा मजा आया ना, मतलब सच में क्या बताऊं मैं। और लफाड़िया और संजय के बीच जो कंपटीशन था, मतलब मैंने ऐसी लड़ना सीरियस में रियल लाइफ में नहीं देखी। टीचर लड़ती है आपस में बट वो ना सब गुस्सा निकालती है बातों से। हाँ, और इतनी सीरियसली कौन लड़ता है, बेचारे लफाड़िया का चांद से तारा बनाता है। और इतने मस्त वाले बच्चे भी, वाह। टीचरों की लड़ाई देख रहे हैं, करवा रहे हैं। प्रिंसिपल देखा, ऑडियंस बन के बैठ गए। प्रिंसिपल ऐसे थे, नहीं यार गाने के लिए दूसरे की हेल्प कर लो। ये ऐसा इसलिए ना क्योंकि ये राउंड टू हेल की वीडियो है। हाँ, वो तो कुछ भी तो उनके अंदर कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं ना। और हाँ, स्टोरी क्या फाड़ बनाते हैं यार, क्या मस्त ऑसम। और मतलब कि हंसते सुने मेरा तो मुंह ही दर्द हो गया यार। मैं कंट्रोल कर रही थी पेट पकड़ के दर्द में यार, कितने ज्यादा मतलब सीरियसली यार। आपको कैसी लगी ये वीडियो और हमारा रिएक्शन कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हां, बेल आइकन दबाना। टिंग घंटा। तो गाइस टेक केयर।